पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा, जिसमें नगर विधायक रितेश गुप्ता को मिली धमकी के संबंध में बताया गया। उन्होंने कहा कि 22 मई 2018 की शाम को विधायक रितेश गुप्ता को व्हाट्सएप नंबर पर धमकी मिली थी, जिसमें 10 लाख रुपए की विधायक से फिरौती की मांग की गई थी। उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस बात को 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। ऐसी घटना प्रदेश में अन्य विधायकों के साथ भी घट चुकी है, जिसका कोई खुलासा पुलिस द्वारा अभी तक नहीं किया गया, जिस कारण प्रदेश के सभी विधायकों में धमकी भरे मैसेज को लेकर दहशत है। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मंडल अध्यक्ष विपिन गुप्ता ने कहा कि विधायक रितेश गुप्ता को एस्कॉर्ट और कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए, विधायक के साथ 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं और जल्द से जल्द धमकी भरे मैसेज भेजने वाले को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायकों को मिल रही धमकी के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आम आदमी के साथ साथ विधायकों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार पर है, जिसके लिए वो हमेशा तत्पर है। नगर विधायक श्री रितेश कुमार गुप्ता जी को कुछ धमकी भरे SMS मिले, जो कि उन्होंने जिस समय व्हाट्सएप अपना चेक कर रहे थे तो ये बाहर की कॉल आई। उसके बाद रात को 2-3 बजे उन्हें वीडियो कॉलिंग आई, जिसको वो उठा नहीं सके। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, जिसने भी ये नगर विधायक को ये धमकी दी है और इस व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी भरे शब्द भेजे हैं, प्रशासन किसी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसका पता नहीं लगा तो व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे। आज तो ये एक सामूहिक ज्ञापन है माननीय जिलाधिकारी जी को, व्यापारी अगर शीघ्र उसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो हम लोग और आगे आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये यहाँ नहीं, मुरादाबाद ही नहीं, प्रदेश में भी अनेक विधायकों को यह धमकी भरे पत्र SMS मिले हैं, जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने भी बड़ी आलोचना की है और उन्होंने भी DGP से तुरंत इसके कार्रवाई करने की मांग की है। लगातार कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, अपने स्तर से कार्रवाई करना है, लेकिन ये कौन लोग हैं उनका पर्दाफाश हम चाहते हैं कि शीघ्र पर्दाफाश हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।